this time there'll be three Diwalis in Madhya Pradesh, say the BJP, the actual festival, the result day on December 3rd, and the Ram Temple inauguration on January 22nd next year. As we can see, we are in number 10 market of Bhopal, a famous market, and a lot of fervor over the Diwali shopping here. We can see many shoppers here. Let's speak to voters and say, is Ram Temple, which has been built in Ayodhya, how it has become an issue in the Madhya Pradesh elections? ये राम मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है, बट मध्य प्रदेश भोपाल में भी वो मुद्दा बन गया है एक तरह से। लोग बीजेपी बहुत बात कर रहा है, आपको लगा ये एक मुद्दा है जिसपे लोग वोट डालेंगे? ये तो शुरू से ही देखा जा रहा, राम मंदिर तो मुद्दा था, बट इस बार थोड़ा रोजगार, क्योंकि जो पटवारी वगैरह देखा जाए, मैं खुद एक कॉम्पिटिशन का छात्र हूँ, अभी मेरा भी नहीं हुआ इस साल, कि मेरे भी कुछ मार्क्स से ही रहा है। वो तो ठीक है, चलो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, तो व्यापम में ठीक है मेरा नहीं था, बट मेरे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं साथ वाले थे, तो उनका बहुत इस बार मतलब सरकार से बहुत खफा है रोजगार के मामले में। सबसे बड़ा तो पटवारी घोटाला, कि जिसमें आपने खुद देखा कि जो टॉपर थे उनसे सवाल पूछा हमने, लंदन टॉप वगैरह जो अपने यूट्यूब पे चैनल है, तो उनने सवाल पूछा तो जवाब कहाँ दे पाए, तो थोड़ा शक की निगाह में तो जा रहा है, जिस कारण मैं एमपी नगर में ही रहता हूँ, छात्रों के बीच में हूँ, मेरे दोस्त लोग काफी सब रोजगार के मुद्दे पर तो काफी नाराज है, ऐसा ही आज 6 साल हो गई नहीं आई, तो इस कारण सब नाराज है रोजगार के मुद्दे में ज्यादा। हाँ, राम मंदिर ठीक है, वो तो हमारी आस्था है, वो तो अच्छी चीज है, वो तो मैं दिल से मानता हूँ, वो तो ठीक है, बट रोजगार तो वो थोड़ा इशू है इस बार। इंटरेस्टिंग दैट पर्सन इज सेइंग दैट राम टेंपल इज अ मैटर ऑफ डिवोशन, बट अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नॉट गोइंग थ्रू इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम विच इज गोइंग अगेंस्ट द बीजेपी, एंड पीपल आर अ बिट एंग्री अबाउट दैट। भाई साहब, इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की बहुत बात हो रही है मध्य प्रदेश में इलेक्शन में, आपको लगता है राम मंदिर यहाँ कोई मुद्दा है मध्य प्रदेश में? बीजेपी बहुत बात कर रही है उसके बारे में? नहीं सर, ऐसा तो कोई मुद्दा है नहीं यहाँ पे, वैसे ही बीजेपी ने बहुत विकास करा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी द्वारा, तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट ही मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे, डेवलपमेंट ज़्यादा बड़ा पॉइंट रहेगा। तो क्योंकि फिर ये इतना राम मंदिर की बात फिर क्यों होती है इतनी, लोग बोल रहे हैं बीजेपी बोलती है 3 दिवाली होंगी इस साल, मतलब ये आपको लग रहा है कि लोगों को एक तरह से कि वोट बीजेपी को इसलिए मिलेगी अब इतने सालों बाद मंदिर बनने जा रहा है? सर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है, पर है मुद्दा, पर मेन तो डेवलपमेंट ही है, जो डेवलपमेंट हुआ है शिवराज सरकार में वो मेरे ख्याल से इसके पहले ना कभी हुआ था और ना शायद कभी होगा। जी जी, आपको भी भाई साहब ऐसा ही लगता है? जी सर जी। क्यों क्यों राम मंदिर पे कोई आपको लगता है वोट पड़ेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, मंदिर की वजह से नहीं, मतलब जो काम हुआ है हमारे एमपी में वो बहुत बढ़िया कार्य है, इसलिए आपको शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, तो पीपल हैव सेइंग दैट एक्चुअली राम टेंपल मे नॉट बी दैट बिग एन इशू, डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन द स्टेट एंड पीपल विल वोट फॉर शिवराज एंड फॉर बीजेपी फॉर द इशू ऑफ डेवलपमेंट। लेट्स स्पीक टू सम मोर पीपल हियर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम इफ दिस इज एन इशू। भाई साहब, ये एमपी का जो इस बार इलेक्शन हो रहा है, इसमें राम मंदिर का बड़ा बात हो रहा है, बीजेपी कहती है कि राम मंदिर अयोध्या में इतने सालों बाद बन रहा है, आपको लगता है यहाँ पे कोई मुद्दा है, लोग उस बात पे वोट डालेंगे बीजेपी को? ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुद्दा है मेन आपको लगता है? विकास का मुद्दा है बस, और क्या विकास हुआ है आपको लगता है बीजेपी के अंदर? क्यों नहीं हुआ, पूरे रोड चारों तरफ के बने हुए, मंडी दीप जाता था पहले 2 घंटे लगते थे मुझे, अब आधे घंटे में 15 मिनट में यहाँ से 4 मिनट विकास हुआ और अच्छा विकास हुआ। तो ये राम मंदिर की बात आपको लगता है सिर्फ ये कि माहौल बनाने के लिए है क्या? वो तो माहौल के लिए है, पार्ट ये भड़का भड़की वाला काम है, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है इसमें, राजनीति जो विकास कर रही सरकार उसकी बनना चाहिए। इंटरेस्टिंग, अनदर वोटर हियर सेइंग दैट राम मंदिर इज नो इशू इन मध्य प्रदेश बिकॉज द पीपल स्टिल वांट टू वोट फॉर डेवलपमेंट एंड ही इज साइटिंग हाउ रोड्स हैव गॉट बिल्ट इन मध्य प्रदेश एंड ही कैन गेट टू अ डेस्टिनेशन इन फार लेसर टाइम देन ही कुड अर्लियर। लेट्स ट्राई एंड स्पीक टू सम मोर पीपल हु आर हियर एंड यू नो शॉपर्स ऑफ दिवाली शॉपर्स हियर टुडे एंड दिस मार्केट इज फुल ऑफ सच पीपल। लेट अस ट्राई एंड स्पीक टू मोर पीपल अबाउट दैट। हेयर इन 10 नंबर मार्केट ऑफ भोपाल, साई बाबा के लिए खिचड़ी बन रही है जो हर साल यहाँ भाई साहब बता रहे हैं हर हफ्ते बनती है, को साई बाबा का ये खिचड़ा बनता है और फ्री सेवा है, बिल्कुल सभी के लिए है, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो ऊंचा हो नीचा हो सब सबके लिए ये साई बाबा का प्रसाद फ्री सेवा है जी। तो भाई साहब शाम को 7 बजे 10 नंबर स्टाफ अर्रा कॉलोनी श्री राजकुमार बत्रा के कर कमलों से ये प्रसाद का वितरण हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ही ये सेवा शुरू करी थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है पिछले 2 साल से, पर उनकी सेवा में हम लगे जी। साईं बाबा की सेवा भी है
उनके कहने अनुसार, राजकुमार बत्रा जी के कहने अनुसार, जो मार्केट के कोई पूर्व अध्यक्ष भी थे, उनकी सेवा में हम लोग ये पूरा मेहनत करते हैं, प्रसाद बांटते हैं सबको, सबके आशीर्वाद लेते हैं, साईं बाबा को भी आशीर्वाद बोलते हैं कि भैया सबको आशीर्वाद करिए, सब फले फूले, सब मार्केट हमारा अच्छा हो, मार्केट के लिए सेवा कर रहे हैं। चलिए भैया, तो भाई साहब कुछ ही दिन में इलेक्शन भी है, हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल है, तो क्या इलेक्शन का क्या मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा है, विकास मुद्दा है, क्या मुद्दा है यार? है ना, तो विकास का मुद्दा चाहिए, क्योंकि आज जो जमाने की जो रफ्तार है, जिस तरीके से मोदी जी हमारे कर रहे हैं, उनकी रफ्तार के हिसाब से हमें चलना चाहिए, और हम उनको थोड़ा सा साथ दें तो अच्छी बात है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आगे भी आप अपना, पहले तो घर से वोट देने के लिए निकलिए, तभी तो हमारी रफ्तार को और तेजी मिलेगी, यही मेरा आग्रह है सबसे। मोदी जी स्टेज से, अमित शाह जी स्टेज से बोलते हैं कि इस बार तो 3 दिवाली होगी मध्य प्रदेश में, एक दिवाली तब होगी जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठापन। वो तो हमारा हिंदुत्व है, सनातन धर्म से है हम लोग, हम तो चाहेंगे कि हमारा राम मंदिर बने, और भव्य मंदिर जो स्थापना उन्होंने की है उसको आगे भी और आगे ले जाए, हमारे लिए भी अच्छा है, हिंदुत्व के लिए अच्छा है, सनातन धर्म के लिए भी अच्छा है। जी जी, पर भाई साहब जो विकास का मुद्दा है, क्या आपको क्या लगता है लोग उसी से ज्यादा रिलेट करते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, कि ये राम मंदिर के मुद्दे भी जो है ये भी? तो साहब वैसे नहीं हुआ है, ये न पब्लिक राम मंदिर से खाएगी, न धारा 370 हटने से खाएगी, नहीं समझे? जो मुद्दा है रोजगार नौकरी, वो पहले होना चाहिए, उसकी दिक्कत है यहाँ पे यंगस्टर में, रोजगार का काफी मुद्दा बड़ा है। जी जी, रोजगार का काफी मुद्दा है, रोजगार सबसे पहले होना चाहिए, रोजगार नहीं होने से आजकल आप देख रहे हैं चोरी चपाटी लूटा पाटी बहुत ज्यादा हो रही, क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। पढ़े लिखे रोजगार बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए गवर्नमेंट को? तो आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकती है इस पे, कि भाजपा में सुधार की जरूरत है? साहब गवर्नमेंट कोई से भी आए, सुधार जरूरी है। कहने का मतलब कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, सबसे पहली चीज है इनका कहना, मैं इनकी बात से ये सहमत हूँ कि सुधार जरूरी है। अगर हमारा सुधार होगा, चाहे कांग्रेस हमारा अगर सुधार करती है, तो युवाओं के लिए जो उनकी जो दिमागी जो हालत है वो थोड़ी, ये लोग बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, आप ये बताइए आपने क्या किया? जो 70 साल में उन्होंने बनाया उसको आप बेच के खा रहे हैं, कर्जे में अलग डुबो रहे हैं, भ्रष्टाचार बंद करने का बोला था, भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं है और बढ़ चुका है, ब्लैक मनी वो भी बढ़ चुकी है, कम नहीं हुई है। एक जो चीज है ना, ये चीज तो जो ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ कि भ्रष्टाचार तो कम होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि अपन ने किसी ने भी बढ़ाया है उसको घटाने की बात है, उसको घटाना चाहिए और बिल्कुल ऐसे तरीके से और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से घटाना चाहिए, क्योंकि आज कोई सा भी काम लेके जाओ आप, जरा सी एक मैं बात कर रहा हूँ, आज किसी की बुराई नहीं कर रहा, पुलिस विभाग में भी जाओ, जरा सा अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो 50 रुपए 100 रुपए देने पड़ते हैं कि साहब हमारी रिपोर्ट डाल दो, शुरुआत ही यहाँ से जी। क्या करोगे आप? आप क्या सोचते भाई साहब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो हमारे जीजा बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, हर आदमी परेशान है। हम तो चाहते हैं कोई सी भी गवर्नमेंट आए, सबका विकास हो, लोग जो बेरोजगार हैं उनको सबको बेचारों को रोजगार मिले। ये नहीं है कि हम बीजेपी से, हमें किसी से, हम लोग तो व्यापारी लोग, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं। व्यापारी लोग तो चाहते हैं कि हर आदमी खुश रहे, वो खुश रहेंगे, लड़के कमाएंगे खाएंगे तो हम लोगों का भी बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस भी नहीं है, इस हिसाब से हम लोग भी परेशान हैं भाई, आप देख ही रहे हैं आजकल तो बिजनेस है ही नहीं बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इसलिए भाजपा राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है कि एक तरह से सबको यूनाइट कर रहे हैं उसे एक मुद्दे पे? सर मुद्दे से कुछ नहीं होगा सर, आदमी के जब पेट में कुछ होगा नहीं तो क्या करेगा वो? मुद्दों से कुछ नहीं होगा, मुद्दों से थोड़ी पेट भरेगा, आदमी मेहनत करेगा तभी मिलेगा, तब जो भी गवर्नमेंट आए, हमारा कहना है कि उनको रोजगार दे, हमारा मुद्दा ये, हमें न मंदिर से मतलब है न किसी से, हर चीज तो जो भगवान कर रहा है अपने हिसाब से हो ही रही है, जो लोगों का रोजगार है, बेरोजगार जो बैठे हैं, क्राइम भी इसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, अगर रोजगार हो तो आदमी के पास टाइम ही नहीं रहेगा। शुक्रिया, रोजगार बहुत जरूरी है, ये बात तो सही है, शुक्रिया, रोजगार बहुत जरूरी है।